हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आप अपने लोगो के या हेडर लाइन के ब्लॉग पे आप या अपनी वेबसाइट पे जो हेडर लगाते हैं तो 2D टेक्स्ट को या 2D इमेज को आप 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पे हमारा लगा हुआ है AS टेच इन लाइव। और आपको और भी दिखा दें हम, ये देखिए आप देख रहे हैं, देखिए मैंने इस तरह के आप देख रहे हैं, मैंने इस तरह के टेम्पलेट्स आपके लिए बना के रखे हैं। इन्हें आप हमारे डिस्क्रिप्शन से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट में दे दूंगा PHD फाइल जिन्हें आप फोटोशॉप पे आसानी से एडिट कर सकते हैं, और वो मैं बताऊंगा आपको आप किस तरह से उसे एडिट कर सकते हैं। ये 7 टेम्पलेट मैं आपको दूंगा, आपको ईजिली डाउनलोड हो जाएंगे, ड्राइव पे सेव करके रखें, आपको इजीली मिल जाएंगे। आप किसी वेबसाइट से या चैनल से कहीं से भी डाउनलोड करें तो आपको इतनी आसानी से टेम्पलेट नहीं मिल सकते, आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, लेकिन हम आपको आसानी से प्रोवाइड करा रहे हैं। सो गाइस, आपको हम बताएंगे। और एक चीज़ इसमें ये सभी टेम्पलेट जो हैं जिप फाइल में होंगे, जिसका पासवर्ड मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा या इस वीडियो के बीच में बताऊंगा। वैसे मैं तो सोच रहा था डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन आप वीडियो जो है बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए इसका पासवर्ड मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आपको पासवर्ड इसका मिलेगा, तो आप वीडियो पूरा देखें, इसकी मत कीजिए। आपको बताएं किस तरह से आप इसे आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखें, चलिए हम फोटोशॉप ओपन करते हैं और यहाँ पर एक टेम्पलेट खोलते हैं। फोटोशॉप 3D टाइटल, चलिए इसमें से एक टेम्पलेट ले लेते हैं। चलिए ये ले ले रहा हूँ, ये देखिए ये टेम्पलेट मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे अभी इस समय ये हमारा मोनो लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसमें आपको टेक्स्ट लगा के दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से हम टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हम जो कि है पूरे डिजाइनिंग का काम जो अपना है वो कोरल ड्रा में करते हैं। आप चाहें तो फेसबुक से भी बना सकते हैं, फेसबुक में भी टेक्स्ट में जाकर न्यू टेम्पलेट करके और फेसबुक में आप बना सकते हैं टेक्स्ट अपना। चलिए मैं बनाता हूँ कोरल ड्रा यूज़ करता हूँ डिजाइनिंग के लिए, और भी वर्क हमारा है तो टोटल कोरल ड्रा यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है गाइस। चलिए हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो है 2D में है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए 2D में है, आप देख रहे हैं, इसे मैं 3D में कन्वर्ट करूँगा। चलिए हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डेस्कटॉप PNG फाइल एक्सपोर्ट। ये देखिए ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया फाइल। अब यही फाइल मैं आपको फोटोशॉप में दिखाता हूँ करके, सॉरी, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जौन सी फाइल आप टेम्पलेट में आपको दूंगा टेम्पलेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे आप लेयर में। लेयर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, योर लोगो ये लिखा हुआ है, यहाँ आपको डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूज द एम्बेडेड प्रोफाइल, ओके, और इस जगह पे हम वो टेम्पलेट लेके आएंगे, ठीक है गाइस, सॉरी अपना टेक्स्ट लेके आएंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसे शिफ्ट आल्ट से हम प्रॉपर जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, राइट, और इसे हम अनहाइड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अनहाइड करने के बाद इसे हम सेव कर देंगे, ये देखिए आप, ये 3D में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बस इस तरीके से आपको ये मिलेगा, ये देखिए ये स्टेच इन लाइव, ठीक है। ये तो एक टेम्पलेट हो गया, ठीक, इसी तरह दूसरा टेम्पलेट भी आपको हम दिखा दें। चलिए ये ले लेते हैं, इसमें AS टेच इन लाइव ये लिखा हुआ है हमारा,
इसे भी हम सेम उसी तरह से एडिट करेंगे। हम जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपने लोगो पेस्ट करेंगे। चलिए लोगो लगाते हैं इसमें, आइकन और ये स्टेशन लाइव। चलिए ये पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, गाइस देखते रहिए आप। क्योंकि बहुत से इसको इतनी आसानी से इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं फिर बाद में कमेंट करते हैं, बता पूछते हैं कि कैसे होना है कैसे होना है, इस वजह से इसे बता रहा हूँ। जो जानते हैं उसके लिए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, आपको आसानी से आप डाउनलोड कर लें और अपना एडिट कर लें। चलिए इसे हम सेव कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा मोनो लग गया है। आप इसे सिंपली कंट्रोल शिफ्ट से सेव करके जेपीजी या किसी तरह आप इसे फॉर्मेट में सेव कर लीजिए और आप अपना 2D जो है मोनो 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो गाइस इसका पासवर्ड है स्मॉल लेटर में AS टैच इन लाइव। इन सातों टेम्पलेट्स का यही पासवर्ड है, आप उसे आसानी से एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। सो गाइस यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नई नई अपडेट्स मिलती रहें। सो गाइस थैंक यू, वंदे मातरम।